हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा सवाल है कि ट्वेल्थ के बाद हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करें, हम कैसे स्टार्ट करें यूपीएससी की प्रिपरेशन करना, और हम आईएएस आईपीएस आईएफएस ऑफिसर कैसे बने। तो सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर लें कि आपको आईएएस ऑफिसर क्यों बनना है, आपको क्यों यूपीएससी देना है। यूपीएससी करने के बाद अगर आप किसी भी पोस्ट में सेलेक्ट होते हैं तो आपको उसमें देश की सेवा ही करनी है। तो देखिए, इसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकती, मैं क्या कोई इंसान आपको नहीं दे सकता। ये जवाब आपको खुद अपने आप से पूछना होगा। आप किसी एक कह लो, आप किसी ऐसी शांत जगह में जाकर बैठिए, वहाँ पर अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, अपने माइंड में सोचिए कि आप यूपीएससी करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, और क्या अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप उसके लिए पूरी लाइफ अपनी देने के लिए तैयार हैं, आप ये काम करने के लिए तैयार हैं उसमें। देखिए, ये सब तो हम सब ने बहुत सुना है कि यूपीएससी क्लियर करने के बाद एक गवर्नमेंट जॉब जो होती है वो कि हमें अच्छा खासा पैसा मिलता है, उसमें हमारी सिक्योरिटी रहती है, लाइफ सिक्योरिटी रहती है। लेकिन उसके साथ साथ उतना ही काम भी हमें वहाँ देना होता है। लाइफ इतनी ईजी नहीं होती है, हमें उस हिसाब से हमें जनता के लिए काम करना होता है, एक जिम्मेदारी होती है हमारे सर पर, तो ऐसे काम होते हैं हमारे ऊपर। तो पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आप वो जिम्मेदारियाँ लेने के लिए तैयार हैं, आप वो काम करने के लिए तैयार हैं। फिर आपको अगर आपके अंदर से ये आवाज़ आती है, आपके दिल ने आपसे कहा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो फिर आपको किसी के बारे में कुछ भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं यूपीएससी को लेकर हर किसी की मैंटेलिटी ये हो गई है कि यूपीएससी बहुत मुश्किल है, भाई उसके बारे में तो सोचा ही नहीं जा सकता, बहुत पढ़ाई करनी होती है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो वो एक जर्नी भी बहुत मुश्किल होती है कि आपको लोगों की भी सुनना पड़ती है। क्योंकि यार देखिए, जो लोग आईएएस आईपीएस बने हैं प्रेजेंट टाइम में, जो लोग आज इस पोस्ट पर हैं, तो वो लोग भी हम लोगों में से ही हैं, हम आम लोगों में से ही हैं। वो कोई अलग से उनमें कुछ गुण या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी जो कि जिसकी वजह से वो बने, उनके पास अलग से कोई पावर नहीं थी। लेकिन बस यही था कि उन्होंने सबसे पहले तो अपने आप से ये क्वेश्चन किया कि उन्हें ये काम करना है तो क्यों करना है। वो इतनी मेहनत करने के लिए, इतनी डेडिकेशन के लिए तैयार हैं, उन्होंने खुद से ये क्वेश्चन किया। उसके बाद में उनको भी ये प्रॉब्लम्स आई होंगी, उनको भी दुनिया ने कहा होगा कि अरे ये बहुत मुश्किल काम है, तुम नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ों को साइड हटाकर उन्होंने सिर्फ अपने ऊपर यकीन रखा, अपने ऊपर विश्वास रखा, और वो इस फील्ड में आगे बढ़े, तो आज वो कामयाब हैं। तो सबसे पहले अपने आप से ये सवाल कीजिए, उनके आंसर्स ढूँढिए। अगर आपके दिल ने आपसे यस कहा, देन बस फिर किसी और चीज़ के बारे में मत सोचिए। दुनिया क्या कहती है, घर वाले क्या कहते हैं, वो शुरू में आपको थोड़ा अटपटा लगेगा। आप घर में बताएंगे कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, बहुत से लोग ऐसे रहेंगे जो आपसे कहेंगे अरे पागल हो गए क्या, कोई नहीं कर पाता, बहुत टफ एग्ज़ाम है, पागल है तू, नहीं कर पाएगा। लेकिन उन सब बातों पर मेरा यकीन कीजिए, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आप प्रिपरेशन कीजिए, बिल्कुल आपकी स्टार्ट कीजिए। बेसिक से ही हर इंसान स्टार्ट करता है, आप बेसिक से जब स्टार्ट करेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ ये कोई टफ काम नहीं है, सिर्फ एक आपको कह लो कंसिस्टेंसी बनानी पड़ती है, जो कंसिस्टेंसी में आपको बनाने में मेहनत लगेगी। मैं इतना तो कह सकती हूँ आपको, पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं लगेगी लेकिन कंसिस्टेंसी में मेहनत लगेगी। आपको रोज़ आपको दिल नहीं करेगा तब भी आपको मेहनत करना पड़ेगी, नहीं आज मुझे पढ़ना है, तो बस वो चीज़ की कंसिस्टेंसी एक बात है कि बस वो बन जाए ना जिस इंसान की, तो उसके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है यूपीएससी निकालना। अरे आपको तो प्राउड फील करना चाहिए कि आप इतने टफ एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हो, वरना कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि इस बारे में सोच ही नहीं सकते कि अरे हमसे नहीं होगा। तो आप तो उनमें से हो जिसने इतनी हिम्मत दिखाई कि इस एग्ज़ाम को देने के बारे में सोचा। तो यही एक यूपीएससी की जर्नी का, इतनी लंबी जर्नी का एक छोटा सा पार्ट ही समझो आप इसको। कह लो कि आपने इतना सोचा, आप में इतनी हिम्मत थी कि आपने इतनी हिम्मत जुटा सके आप ये एग्ज़ाम देने की, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। बस इसके आगे आपको आपकी कंसिस्टेंसी बनानी है। अगर आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको इतना तो करना पड़ेगा, आपको लोगों की बातों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा, आपको एक कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी, अपने आप से क्वेश्चंस करने पड़ेंगे कि मैं कर सकता हूँ, करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो ये वीडियो देखने का मतलब ये है कि आप यूपीएससी करने के काबिल हैं, आप में उतनी काबिलियत है, तभी तो आपने इतना सोचा और आपने ये वीडियो निकाली, आप ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको लास्ट तक आपने सुना। तो यही, इसी का मतलब यही है कि हाँ आप कर सकते हैं, आप में एक चाहत है कि मुझे करना है और इतना दम है आपके अंदर।
दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसी तरीके की वीडियोज़ देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओ हेलो, क्या बाय बाय, इतना सारा मैंने ज्ञान दिया है तो ज़रा वीडियो को लाइक वाइक करके ही जाइएगा, ऐसे चले मत जाना।